सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। जयकार शर बलिद भोल सांचे दरबार के जय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निरभिघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ श्री दुर्गायै नमः। अथ सप्तश्लोके दीर्घ शिवोवाच देवी त्वं भक्त सुलभे सर्वकार्य विधायने कलौ हि कार्यसिद्ध्यर्थम् उपायं ब्रूहि यत्नतः। देव्योवाच शृणु देव प्रवक्ष्यामि कलौ सर्वेष्ठ साधनम् मया तवैव स्नेहेन प्यम्बा श्रुतिः प्रकाश्यते। ॐ अस्य श्रीधुर्गा सप्तश्लोके स्तोत्रमन्त्रस्य नारायणेश अनष्टम छन्दः श्रीमहाकाले महालक्ष्मी महासरस्वत्या देवता श्रीदुर्गा प्रीत्यर्थं सप्तश्लोके दुर्गा पाठे विनियोगः। ॐ ज्ञानिनामभिचेतासे देवे भगवती सा बलाधकृष्य मोहाय महामाया प्रयश्यते। दुर्गे स्मृता हर्षभेतमशेषशन्तः स्वस्ते स्मृता मतिमतेव शुभं ददासि। दारिद्र्यदुःखभयहारिणिका तदण्ड्या सर्वोपकारकरणाय सदा दृचित्ता सर्वमङ्गलमङ्गले शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरे नारायणे नमोऽस्तुते। शरणागतदीनार्थपरित्राणपरायणे सर्वस्याद्यहरे देवे नारायणे नमोऽस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेश सर्वशक्ते समन्विते वैवस्रायिणो देवे दुर्गे देवे नमोऽस्तुते। रोगान् शेषान् वहन्सि दुष्ट हृष्टादुकामान् सकलानभीष्टान् त्वमाश्रितानां नरिपन्नरानां त्वमाश्रितायाश्रयतां प्रयान्ति। सर्वबाधाप्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरे एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्व्याधिविनाशनम्। ॐ श्री दुर्गायै नमः। श्री दुर्गा स्तोत्र शतनाम स्तोत्र ईश्वर वाच शतनाम प्रवक्ष्यामि शुनश्व कमलानने यस्य प्रसादमात्रेण दुर्गा प्रीता भवेत्सति। ॐ सति साध्वीभव प्रीता भवानि भवमोचने आर्या दुर्गा जया चाध्या त्रिनेत्रा शूलधारिणि पिनाकधारिणि चित्रा चण्डघण्टा महातपा मनोबुद्धिरहङ्कारा चित्तरूपा चिताचितिः सर्वमन्त्रमयी सत्ता सत्यानन्दस्वरूपिणि अनन्ता भवने भव्या 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 सदा गतिः शाम्भवे देव माता च चिन्ता रत्ना प्रिया सदा सर्वविद्या दक्षकन्या दक्षयज्ञविनाशने अपर्णानेकवर्णा च पाटला पाटलावदे पट्टाम्बरपरिधाना कलमञ्जेररञ्जने अमेयविक्रमाक्रूर सुन्दरे सुरसुन्दरे
रणदुर्गा च मातङ्गे मतङ्ग मणिभूषिता रामे माहेश्वरे चन्द्रे कौमारे वैष्णवे तथा चामुण्डा च वाराहे लक्ष्मीश्च पुरुषा कृतिः विमलोत्कर्षणे ज्ञान क्रिया नित्या च बुद्धिदा बहुला बहुल प्रेमा सर्ववाहन वाहना निशुम्भ शुम्भहनने महिषासुरमर्दने मधुकैटवहन्त्रे च चण्डमुण्डविनाशने सर्वासुरविनाशा च सर्वधानवघातने सर्वशास्त्रमयी सत्या सर्वास्त्रधारणे तथा अनेकशास्त्रहस्ता च अनेकास्त्रस्य धारणे कुमारे च कन्या च कैशोरे युवते यतिः अप्रौढा चैव प्रौढा च वृद्धमाता वरप्रदा महोदरे मुक्तकेशे घोररूपा महाबला अग्निज्वालारुद्रमुखे कालरात्रे सपस्विने नारायणे भद्रकाले विष्णुमाया जलाधरे शिवधूते कराले च अनन्ता परमेश्वरे कात्यायने जुजाभित्रे प्रत्यक्षा ब्रह्मवादने य इदं प्रभते नित्यं दुर्गा नाम सुदर्शकम् नासाध्यं विद्यते देवे त्रिषु लोकेषु पार्वते धनं धान्यं सुतं जायं हयं हस्यनमेव च चतुर्भर्गं तथा चान्त लभेन् मोतिं च शाश्वतीं कुमारीं पूजयित्वा तु ध्यात्वा देवीं सुरेश्वरीं पूजयेत् परया भक्त्या पठे नाम सुदाष्टकम् तस्य सिद्धिर्भवे देवे सर्वे हि सुरभरैरपि राजानो दास्तां जान्ते राज्यमवाप्नुयात् गोरोचना रक्तकुङ्कुमेन सिन्दूरकर्पूरमधुत्रेण विलक्ष्यन्त्रं विधिना विधिज्ञो भवे सदा धार्यते पुरारिः भौमावास्या निशामग्रे चन्द्रे शतविशाङ्गले विलक्ष्य प्रवठे स्तोत्रं स भवे संवदा प्रातःकालीन आरती की इस पवित्र वेला में आप सब भक्तों का माँ भगवती के दरबार में अभिनंदन आप सबका हार्दिक स्वागत इस समय विश्व के कल्याण के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति की जा रही है विश्व के कल्याण में ही हम सबका कल्याण है इस वैदिक मंत्रों द्वारा षोडशोपचार से विधिवत इस दिवगुहा के अंदर माँ भगवती की पूजा माँ की अर्चना की जा रही है ऐसी मान्यता है कि जब माँ भगवती की पूजा होती है पूजा के समय समस्त देवतागण भी करवत माँ भगवती स्तुति करते हैं आरती के इस पवित्र वेला में जो ये भक्तजन भक्ति भाव से एकाग्रजित होकर के विशुद्ध मन से माँ भगवती का ध्यान करते हैं माँ का नाम स्मरण करते हैं माँ भगवती की स्तुति करते हैं माँ भगवती प्रसन्नता पूर्वक उन भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके उन्हें वरदान देती हैं आप सभी भक्तजन माँ भगवती के दरबार में विराजमान हैं आप जो लक्ष्य लेकर घर से चले हैं उसी लक्ष्य को अपना ध्यान केंद्रित कर करके भक्ति भाव से माँ भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए माँ से प्रार्थना करें माँ भगवती आप आए हुए शरणार्थ भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके आपको आशीर्वाद दें आपके मनोकामना को आपके मनोरथों को पूर्ण करें जय आरती की वेला है बड़ी उत्तम वेला है इस पवित्र वेला में की भगवती की आराधना अर्चना पुण्यकर्म माँ भगवती की स्तुति इसका अक्षय फल होता है विद्वानों द्वारा आपके कल्याण के लिए आपके सुख समृद्धि के लिए आपके अवधि के लिए आपके उन्नति के लिए आपके दीर्घायु के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति की जा रही है यह स्तोत्र वास्तव में परम कल्याणकारी हैं सुख शांति सुख समृद्धि को देने वाले हैं धन धान्य की वृद्धि करने वाले हैं जो भी भक्तजन भक्तिपूर्वक इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति करते हैं माँ की कृपा से माँ के आशीर्वाद से उन भक्तजनों के जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि रहती है वह भक्तजन वह साधक जन माँ के आशीर्वाद से
जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ उन्हें कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है, धन लाभ होते हैं, उनका यश, उनका मान, उनकी कीर्ति बढ़ती है, वह आरोग्यता को प्राप्त होते हैं, दीर्घायु को प्राप्त होते हैं, उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती, वह पूर्ण आयु का भोग करते हुए धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मानुकूल कर्म करते हुए इस मजगजन्य मजगदम्बा की आराधना अर्चना करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। आप सभी अपना ध्यान माँ के चरणों ले जाइए और भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति कीजिए। माँ भगवती आप शरणार्थ भक्तों का कल्याण करें, आप सबका मंगल करें। अथ देव्यः कवच ॐ अस्य श्रीचण्डिकायस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप्छन्दः चामुण्डा देवता अङ्गनासोत्तमातरा बीजं निर्बन्धदेवतास्तत्त्वं श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः। ॐ नमः चण्डिकायै मार्कण्डे उवाच ॐ यद्वयं परमं लोके सर्वरक्षाकरं विनां यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकं देव्यासो कवचं पुण्यं तच्छृणुष्व महामुने प्रथमं शैलपुत्रे च द्वितीयं ब्रह्मचारिणे तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकं पञ्चमं स्कन्दमादेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रेति महागौरेति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्रे च नवदुर्गः प्रकीर्तिताः। उक्तानि तानि नामानि ब्रह्मणे वा महात्मना हरिणा दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतोरणे विषमे दुर्गमे च भव्यार्थः शरणं गतः। नादेशां जायते किञ्चित् अशुभं ऋणसङ्कटे नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं नहि येष्ठ भक्त्या श्रुता नूनं तेषां वृद्धिः प्रजायते ये त्वां स्वन्ति देवेशे रक्षसे तान् संशयः। वेद संस्थातु चामुण्डा वाराही महिषासना हेन्द्रिग्रसमारूढा वैष्णवी गरुडासना माहेश्वरी वृषारूढा कौमारी शिखवाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंस समारूढा सर्वाभरणभूषिता इत्येता मातरः सर्वाः सर्वयोगसमन्विताः नानाभरणशौभाढ्या नानारत्नापशोभिताः दृश्यन्ते रथमारूढा देव्यः क्रोधसमाकुलाः शङ्खं चक्रं गदा शक्तिं हलं च मुसलायुधं केतकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च शारङ्गमायुधमुत्तमम् देत्यानां देहनाशाय भक्तानामभयाय च धारयन्तायुधानि तं देवानां देहदाय वे नमस्ते सोमहारौद्र महाघोरपराक्रमे महाबले महासाहे महाभयविनाशने त्राहि मां देवि दुःश्रेक्ष शत्रूणां भयवर्धने प्राचारक्षद मामेते अग्नेयामग्निदेवता दक्षिणे वधुवाराहि नैऋत्यां खड्गधारिणि प्रति चा वारुणि रक्ष वायव्या मृगवाहिनि उदि चा पादकौमारि एशानां शूलधारिणि ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्ष अधस्ता वैष्णवे तथा एवं दश दिशो रक्ष चामुण्डा शववाहना जया मे जागृतः पादो विजया पादो पृष्ठतः अजिता वाम पार्श्वतो दक्षिणे च पराजिता शिखामुद्योदने रक्ष उमामूर्ध्वे व्यवस्थिता मालाधरे ललाटे च भ्रुवो रक्ष यशस्वने त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये यमघण्टा च नासिके शङ्खने चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्योद्वारवासिने कपोलो कालिका रक्ष कर्णमूले दुशाङ्करे
नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोषे च चर्चिका अधरे च मृदकला जिह्वायां च सरस्वती दन्तारक्षतकौमारे कण्ठदेशे तु चण्डिका घण्टिकां यत्र घण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षे च मुखं रक्षद्वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाले च पृष्ठवंशे धनुर्धने नीलग्रीवावहे कण्ठे नलिकां नरकोभरे चन्द्यो खड्गणे रक्ष बाहो मे वज्रधारणे हस्त्योर्दण्डने रक्ष अम्बिका चाङ्गुलेषु च नकाशूलेश्वरे रक्ष कक्षो रक्ष कुलेश्वरे सनो रक्ष महादेवे महाशोकविनाशने हृदये ललिता देवे उदरे शूलधारणे नाभो च कामने रक्ष गुह्यं गुह्येश्वरे तथा ओदना कामिका मेढं गुदय महिषवाहिने कट्यां भगवते रक्ष जानुने विन्ध्यवासने जङ्घ महाबला रक्ष सर्वकामं प्रदायने गुल्फयो नारसिंहे च पादप्रेष तुलेजसे पादाङ्गुलेषु श्रीरक्ष पादादस्वलभाषणे नकान्दष्टाकराले च केशाक्षेवोर्ध्वकेशणे रोमकोपेषु कोबेरे तुजं बागेश्वरे तथा रक्तमज्जावसामांसान्यसि मेधांसि पार्वते अन्त्राणि कालरात्रिश्च पित्तं च मुगलेश्वरे पदमावदे पदं कोशे कवे चूडामणे सुता ज्वालामुखे नखज्वालामवेद्या सर्वसन्दशो शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्ष छायां छत्रेश्वरे तथा अहङ्कारं मनो बुद्धिं रक्ष मे धर्मधारणे प्राणापानो तथा व्यानम् उदानं च समानकम् वज्रहस्ता च मे रक्ष प्राणं कल्याणशोभना रसरूपे च गन्धे च शब्दे स्वशयोगने सत्त्वामृजस्तमस्यैव रक्ष नारायणे सदा आयु रक्षतु वाराहे धर्मं रक्षतु वैष्णवे यशा कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनमित्यां च चक्रणे गोत्रमिन्द्राणि मे रक्ष पशून् मे रक्ष चण्डिके पुत्रा रक्ष महालक्ष्मी भार्यां रक्षत भैरवे पन्थानां सर्वदा रक्ष मार्गं क्षेमकरे तथा राजद्वारे महालक्ष्मीर्विजया सर्वतः स्थिता रक्षाहीनं द्वयस्थानं वर्जितं कवचेनतो तत्सर्वं रक्ष मे देवे जयन्ते पापनाशने पदमेकं न गच्छेदो यदेच्छ शुभमात्मनः कवचेनामृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छते तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयः सर्वकामिकः यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परमेश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मर्त्या सङ्ग्रामेश्व पराजितः त्रैलोक्ये तु भवेद्भोजः कवचेनामृतः पुमान् इदं तु देव्यः कवचं देवानामविदुर्लभम् यः पठेत् प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः देवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्येषु पराजितः जीवद्वर्षशतं साग्रम् अवमृत्यो विवर्जितः नश्यन्ति व्याधया सर्वे रोता विस्फोटकादयः स्थावरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं चापि यद्विषम् अविचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भोजरा केचराश्चैव जलजा चोपदेशिका सजा कुलजा माला डाकने शाकने तथा अन्तरिक्षचरा घोरा डाकिन्यश्च महाभराः ग्रहभूतपिशाचाश यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसभेतालः कूष्माण्डाभैरवादयः नश्यन्ति दर्शनादस्य कवचे हृदि संस्थिते मानोनतिर्वभेदाज्ञस्तेजो वृद्धे करं परं यस्सा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जपे सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा दो कवचं पुरा यावद्भूमण्डलं दत्ते सशैलवनकाननं तावत् तिष्ठति मे धन्यं सन्तते पत्रपात्रिके देहाते परमं स्थानं यसुरेरपि दुर्लभम् प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते। ॐ
अर्घ्यल स्तोत्र ओम अस्य श्री अर्घ्यल स्तोत्र मंत्रस्य विष्णु ऋषिः अनुष्टुप छन्दः श्री महालक्ष्मी देवता श्री जगदम्बा प्रीतये सप्तशते पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः ॐ नमश्चण्डिकायै मार्कण्डेयवाच ॐ जयन्ते मङ्गलाकाले भद्रकाले कपालिने दुर्गाक्षमा शुभदात्रे स्वाहा सुधा नमोऽस्तुते जय त्वं देवि चामुण्डे जय भूतातिहारिणि जय सर्वगते देवे कालरात्रे नमोऽस्तुते मधुकैटवे द्रावे विधात्रे वरदे नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि महिषासुरनिर्नाशे भक्तानां सुखदे नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि रक्तबीजपदे देवे चण्डमुण्डविनाशने रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि शुम्भस्य वनशुम्भस्य धूम्रक्षस्य मर्दने रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि वन्दिताङ्गे युगे देवे सर्वसौभाग्यदायने रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि अचिन्त्यरूपचरित सर्वशत्रो विनाशने रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि न तेभ्यः सर्वदा भक्त्या चण्डिके दुरितापहे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि सुभद्भ्यो भवति पूर्वां त्वां चण्डिके व्याधिनाशने रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि चण्डिके सदं जयताम् अर्जयन्ति भक्तितः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि विदेहि दुशदानाशं विदेहि बलमुच्चकैः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि विदेहि देवि कल्याणं विदेहि परमाभिश्रियं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि सुरासुरशिरोरत्ननिकृष्टचरण्यम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं करो रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि प्रचण्डदैत्यधर्वणे चण्डिके प्रणताय मे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि चतुर्भुजे चतुर्भक्त्र संसुते परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि कृष्णेन संसुते देवे शश्वद्भक्त्या सदाम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि हिमाचलसुधानाथ संसुते परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि इन्द्राणि पदसद्भाव पूजिते परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि देवि प्रचण्डदोदण्ड दैत्यदर्पविनाशने रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि देवि भक्तयनोदाम दत्तानन्दोदयाम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि पदने मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्गसंसारसागरस्य कुलोद्भवाम् इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पठे नरः स तु सप्तशते सङ्ख्या धर्मा पुनोति सम्पदा अथ कीलक ॐ अस्य श्री कीलकमन्त्रस्य शिव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्री महासरस्वते देवता श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थं सप्तशते पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः ॐ नमः चण्डिकायै मार्कण्डेय उवाच
ॐ विशुद्धि ज्ञान देहाय त्रिवेदे देव चक्षुषे क्षया प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे सर्वमेधियाने मन्त्राणामभिकीलकम् स्वपि क्षेमवाप्नोति सततं यापि तत्परः सद्यन्तु चाटनादेने वसोने सकलानपि एतेन सुभतां देवे स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यते न मन्त्रो न शलं तत्र न किञ्चित् विद्यते विना जापेन सिद्ध्यत सर्वमुच्चाटनादिकं समग्राणि सिद्ध्यन्ते लोकशङ्कामिमामरः हित्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवमिदं शुभं स्तोत्रवेलचण्डिकायासो तच्च गुप्तं चकारस सुमात्रेण च पुण्यस्य तान्यथावन्नियन्त्रणां स्वपि क्षेमं वाप्नोति सर्वमेवं न संशयः कृष्णाया वा चतुर्दशम् अष्टम्या वा समाहितः ददाति गृह्णाति नानदेशा प्रसीदति इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितं यो निष्किलां विधायेन नित्यं जगति संस्फुटम् सा सिद्धा सा गृहा सोऽपि गन्धर्वो जायते नरः न चैवापृतस्तस्य भयं कापि अजायते नापवृत्योपशं याते मृता मोक्षामवाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारभ्य कर्वेत न कुर्वाणा विनश्यते ततो ज्ञात्वैव सम्पन्नम् इदं प्रारभ्यते बुधैः सौभाग्यादि यत्किञ्च दृश्यते ललनाजने तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन याप्यमिदं शुभं शने सोजप्यमाणेऽस्मिन् स्तोत्रे सम्पत्तिरुच्यके भवत्येव समग्रापि तथा प्रारभ्यमेव तत् ऐश्वर्यं यत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्यसम्पदः शत्रुहानिः परो मोक्षः स्तूयते सान् किं जनेः ॐ श्रीमहिषासुरमर्दने स्तोत्रम् ऐ गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुदे गिरिवरविन्दशिरोदिनि वासिनि विष्णुविनाशन जयस्तुते भगवति हे चित्कण्ठकरो भिन्भोरिकरो भिन्भोरिकृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रङ्गकपर्दिन शैलसुते सुरवर वर्षन दुर्धर दर्शन दुर्मुख मर्षन हर्षरते त्रिभुवन मोचन शंकर दोषन किल विष मोचन गोचरते धनु जन रोशन दिद सुत रोशन दुर्मद शोषण सिंधु सुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्यकपर्दिन शैल सुते हय जगदम्ब मदम्ब कदम्ब मन प्रिय वासन आसरते शिखर शिरो मन तुंग हिमालय सिंदर जालय मध्यगते मधु मधुरे मधु कैटव गंजन कैटव भंजन रासरते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिन शैल सुते हय शतकण्डधि कण्डितरुण्डधि तुण्डितशुण्ड गजाधिपते ऋतुगज गण्डविधारण चण्ड पराक्रम शुण्ड मृगाधिपते निजभुज दण्ड निबाधित गण्ड विबाधित मुण्ड पटाधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्य कपर्दिन शैल सुते हैरण दुर्मद शत्रुपदोदित दुर्धर निर्जर शक्तिपते चतुर विचार दुरे न महाशिव दूत कलपदाधिपते दुर्ज दुरे हनुराशय दुर्मद दानव दूत कृतान्तमते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्य कपर्दिन शैल सुते हय शरणागत गैरिभरु शोषित शोनित बीज सुभद्रव शोनित बीजलते
Thank you.
अब अंतिम के लिए लास्ट पेज पेज नंबर 30 मां से क्षमा प्रार्थना है अक्षमा प्रार्थना अपराध सहस्राणि हृयन्ते हरणि क्षमया दासयमिति मामत्वा क्षमस्व परमेश्वरीम् आवाहनं न जानामि न जानामि विसर्जनम् पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी तन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे अपराधशतं कृत्वा जगदम्बेति चोचरे यां गतिं समवाप्नोति नातां ब्रह्मादासुरा सापराधोऽस्मि शरणं प्रातस्त्वां जगदम्बिके इदानीमनुकम्प्योऽहं यथेच्छसि तथा कुरु अज्ञानादिश्रुतभ्रान्त्या यन्योन्नमधिकं कृतम् तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी कामेश्वरी जगन्मातः सच्चिदानन्दविग्रहे गृहाण चामि मां प्रीत्या प्रसीद परमेश्वरी नियातिभुजगोत्रेत्वं गृहाणास्मत्कृतां जपम् सिद्धिर्भवतु मे देवी वरप्रसादासुरेश्वरी सच्चें ज्योतिं भली माता तेरी सदा ही जय शब्द मनोर्थ पूर्ण करुण भली माता तेरी सदा ही जय सबको सद्बुद्धि दीन भली माता तेरी सदा ही जय बोलो सच्चे धरहार की जय तभी ओम शब्द का नाद होगा तीन बार ओम का उच्चारण किया जाएगा आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से हृदय सेवा निकालते लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे माँ से प्रार्थना करते हुए कि हे माँ इन स्तोत्रों द्वारा इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और हम भक्तों का वरदान दो हम भक्तों का कल्याण करो सभी भक्ति भाव से माँ से प्रार्थना करते हुए ध्यान मुद्रा में तीन बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे इस समय आप भक्तों को जो आरती का प्राप्त हुआ है प्रातः काल की आरती की परम पवित्र वेला में ही माँ के चरण में बैठ करके आप भक्तों को माँ भगवती की आराधना करने का पुण्य अर्जित करने का माँ भगवती की अर्चना माँ की पूजा करने का माँ का दर्शन करने का इस जगजन जगत माता का आशीर्वाद प्राप्त करने का आप भक्तों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है जिस स्थान पर बैठ कर के आप माँ भगवती का स्तवन कर रहे हैं ये तपस्थल ही तपोभूमि है इस स्थान पर अनेक ऋषि मुनि ने तप किए हैं कोटिशर जहाँ पर यज्ञ हुए हैं फिर जगजन्य जगत माता आदि शक्ति जो हैं
माँ वैष्णवी जो समचे जग सारे संसार के रचयिता हैं, जग जननी हैं, जगत माता हैं, जगत गुरु हैं, जिसके चरणों में देवता नतमस्त होते हैं, वह भगवती आदि शक्ति इस दुग्भय के अंदर दिव्य पिंडी के रूप में विराजमान होकर के तप कर रही है, ये तपस्थली है। और भगवती स्वयं इस गुहा के अंदर विराजमान होकर के पिंडी के रूप में तप कर रही है। जब घोर कल जुगाएगा तब इनका प्रादुर्भाव होगा, जब प्रकट होंगी पापियों का नाश करेंगी, भक्तों की रक्षा करेंगी। तो जो भी भक्तजन तभी कहते हैं जहां पर माँ वैष्णो देवी के साक्षात दर्शन है, जो भी भक्तजन सच्चे हृदय से विशुद्ध मन से माँ भगवती के दरबार में आकर के माँ से प्रार्थना करते हैं, माँ की स्तुति करते हैं, और देव गुहा के अंदर जो है इन देव पिंडियों के सामने नतमस्तक होकर के माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, उन शरणागत भक्तों पर इन तीनों देवियों के माता महाकाली, माँ लक्ष्मी वैष्णवी और माता महा सरस्वती के सदा सर्वदा पूर्ण कृपा बनी रहती है। और जिन पर इन तीनों देवियों की कृपा हो जाती है उन भक्तों के सभी कष्ट सभी दुख दूर होते हैं। वे जो जो मन में चिंतन करते हैं उनकी समस्त मनोवलक्षित कामना जो है वह पूर्ण होती हैं, और जहाँ जहाँ भी वह जाते हैं वहाँ वहाँ उन्हें कार्य में सफलता प्राप्त होती है, उनका यश उनका मान उनकी कीर्ति बढ़ती है, उनकी जीवन यात्रा सुखद बनी रहती है, वे निरोगी जीवन जीते हुए इस संसार में स्वस्थ सुखों का भोग करते हुए उनका परलोक भी कल्याण हो जाते। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो प्रतिदिन कुछ न कुछ जो सत्कर्म जो है भगवान की आराधना जप पाठ स्नान दान जे व्रत आदि जो है जो मनुष्य को करते रहना चाहिए, ये जो सत्कर्म होते हैं इन सत्कर्मों के फल स्वरूप जो है मनुष्य की अनेक विघ्न बाधा दूर होती हैं, वह कष्टों से मुक्त रहता है, निरोगी जीवन जीता है, अर्थात जीवन यात्रा जो है जे सुखद बनी रहती है। जे जो मनुष्य ये सत्कर्म करता है तीर्थाटन करते हैं शक्ति पीठों पर जाकर के जो है माँ भगवती के दर्शन करता है आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, तो ये आशीर्वाद जो होते हैं और फिर जो व्रत किए जाते हैं देवी देवताओं की आराधना अर्चना पूजा की जाती है ये करने से जो है अनेक अनिष्ट जो है वह दूर होते हैं और जीवन यात्रा जो है वह सुखद बनी रहती है, जीवन में सुख आते हैं और दुखों का नाश होता है। आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की सप्तमी है, इसे संतान सप्तमी भी कहा गया है। संतान सुख की प्राप्ति के लिए जो है ये व्रत भी किए जाते हैं और इसे साते दुबड़ भी कहते हैं। ये राजस्थान में जो है इस व्रत का बहुत प्रचलन है और वास्तव में ऐसी कुछ व्रत होते हैं देव देवता की आराधना होती है जिससे मनुष्य के कष्ट संकट जो हैं उनके अनिष्ट जो है दूर होते हैं और सुख की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि इस व्रत की जो कथा बतलाई गई है कि एक साहूकार थे, बड़े ही धनवान थे, सब प्रकार के सुख थे, देव कृपा से उनके सात पुत्र थे, एक दो नहीं सात पुत्र थे, इसलिए इनको साते दुबड़ी कहा गया है। और साहूकार के पुत्र जो थे बड़े हुए, अब जो है पहले पुत्र का ज्येष्ठ पुत्र का विवाह हुआ और विवाह के बाद उसकी मृत्यु हो गई, दूसरे का विवाह हुआ उसकी मृत्यु होगी, ऐसे चलते चलते छह पुत्र जो थे जैसे वे उनके विवाह करते हैं तो उसके पुत्र की मृत्यु हो जाती। अब सातवें पुत्र की बारी थी, उसका भी विवाह होना था, विवाह निश्चित हुआ, सभी सखा संबंधियों को निमंत्रण दिया गया। उन बच्चों की एक बुआ थी, वह भी अपने भतीजे की शादी में वहाँ जा रही थी, पैदल रास्ता था, तो रास्ते में जब वह जा रही थी तो उसे एक वृद्ध माता के दर्शन हुए। वृद्ध माता मिली, उसने
उसके चरण स्पर्श किए, उसको प्रणाम किया। उस माता ने, वृद्ध माता ने उसको आशीर्वाद दिया और उससे पूछा कि अब कहाँ जा रही हो? तो उसने कहा मेरे भतीजे की शादी है, छह भतीजों की शादी हो चुकी है, जब शादी होती है भतीजे की मृत्यु हो जाती है, अब ये सातवां है, अब पता नहीं क्या होगा। तो उस वृद्ध माता ने कहा ये तुम्हारा सातवां भतीजा भी मर जाएगा। बोलो सच्चे दरबार की जय। वह वृद्ध माता के रूप में दुबड़ी माता थी, वह मातृशक्ति जो उससे कहने लगी कि देखो जिस सातवां भतीजा भी तुम्हारा मर जाएगा, जिस समय इसकी बरात घर से अंदर से बाहर निकलेगी तो घर का दरवाजा जो है वह गिर पड़ेगा, इसकी मृत्यु होगी, और यदि वहां से बच जाएगा तो रास्ते में बरात चलते हुए जिस वृक्ष के नीचे, जिस पेड़ के नीचे बरात रुकेगी वह पेड़ जो है गिर जाएगा, वहां मृत्यु होगी। अगर वहां से भी बच जाएगा तो आगे चल करके ससुराल में जब उनके घर में प्रवेश करेगा वह गृह द्वार जो उसका दरवाजा गिर जाएगा। यदि उससे भी बच गया तो जिस समय इसका विवाह होगा सात फेरे लिए जाएंगे तो सातवें फेरे में इसको सांप डस लेगा और इसकी मृत्यु हो जाएगी। तब जो है भूगर ने स्मृत माता से कहा कि माँ जब आपने इतने अनिष्ट को बतलाया कि जे जे होगा तो ऐसा हो जाएगा, माँ क्या उस बच्चे की रक्षा के लिए कोई उपाय नहीं है क्या? माँ यदि तुझे मालूम है कोई उपाय जो है जिसके करने से मेरा भतीजा, एक ही भतीजा बच चुका है, जो बच जाए, जो दीर्घायु को प्राप्त हो, ऐसा कोई उपाय है तो माँ वह भी बतलाइए जब इतना आपने बताया है। तब उस दुबड़ी माँ ने कहा कि देखो बेटी उपाय है परंतु कठिन है। तब भूगा कहने लगे माँ आप जो भी कहेंगे, कितना भी कठिन उपाय क्यों नहीं होगा, मैं अपने भतीजे के लिए वह उपाय करूंगी, आप बतलाइए। तब उस माँ ने कहा दुबड़ी माता ने कि सुन, जब बारात घर से निकले तो उस भतीजे को जो है द्वार से मत निकालना, दीवार तोड़ करके उसमें से निकालना, द्वार से भाई ना जाए, दीवार तोड़ करके जो उसमें से निकालना है, रास्ते में बारात कहीं ना रुके ऐसा प्रयत्न करना, कहीं किसी वृक्ष के नीचे कहीं बारात ना रुके, ससुराल में वही ससुराल में जाकर के जो द्वार जो है द्वार से प्रवेश न कर करके वहां पर दीवार तोड़ करके उसमें से उसको प्रवेश करवाया जाए, और जिस समय विवाह हो सात फेरे लग रहे हो तो उस समय जो है एक दूध का कटोरा भर करके वहां दूध रख ले, वहां पर सांप आएगा और सांप दूध पिएगा, उस समय सांप को जो है आप बांध लेना। जिस समय नागण जो है अपने उस नाग को छुड़ाने के लिए वहां पर आएगी तो उस समय उससे जो है अपने से भतीजे जो मरे हुए भतीजे जो है उनको मांग लेना, फिर शाम को नाग को राज को छोड़ देना। ऐसा करेगी तो तेरा भतीजा बच सकता है, और ये बात किसी को मत बतलाना, क्योंकि किसी को बतलाओगे सुनने वाला भी और सुनाने वाला भी दोनों मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, इसलिए अपने तक रखना ये कार्य करना। जब तक ये कार्य संपन्न हो जाए तब तक इस बात को किसी को मत बतलाना। तब उसने कहा कि ठीक है माँ मैं ऐसा ही करूंगी। दुबड़ी माता ने उसे आशीर्वाद दिया, अंतर ध्यान हो गई। अब भूगा गए मैं तुझे उपाय करूंगी अपने भतीजे के लिए। वहां पर गए, उन्होंने कहा कि बरात जब ले जानी है तो धूल्हे को जो है जे द्वार से नहीं दीवार फाड़ करके, दीवार तोड़ करके वहां से निकालना, इसका अनिष्ट दूर होगा। तब जो है सब ने उस भूगा की बात को मान लिया और दीवार तोड़ करके बांस से निकाला गया। आगे चले, कहीं भी उसने बरात रुकने न दी, किसी पेड़ के नीचे या रास्ते में
ससुराल पहुंचे और वहां पर उनको बतला दिया कि वर जो है वह द्वार से प्रवेश नहीं करेगा, दीवार तोड़ करके वहां से उसका प्रवेश होना चाहिए। तो वैसा ही किया गया और फेरों के समय जो है वहां दूध का कटोरा रखा गया और जो है जब सातवां फेरा चल रहा था तो नागराज जी वहां पर आ पहुंचे, आकर दूध पीने लगे तो राज नाग को जो उन्होंने बांध लिया। कहते नागिन वहां पर आए तब कहने लगे मेरे नाग को छोड़ दीजिए। तब भूगो ने कहा देखो मेरे सेठ भतीजे जी हमारे चुके जा चुके हैं, आप कृपा कीजिए मेरे भतीजे भी मिल जाएं और जो है जे भतीजा जो है जिसका विवाह हो रहा है जे भी दीर्घायु को प्राप्त हो। तो उसने कहा कि ठीक है। तो कहते कि उस समय उस नाग माता ने ऐसा आशीर्वाद दिया उसके उस भतीजे भी कुछ नहीं हुआ, वे अभी दीर्घायु को प्राप्त हुआ से मरे भतीजे भी जीवित हुए हैं। और इस प्रकार से कहते कि उस समय जो प्रार्थना की गई कि जिस प्रकार से जे भूगा के जो भतीजे जो हैं जैसे जीवित हुए हैं सुख को प्राप्त हुए हैं और इनके माता पिता को जो संतान सुख मिला है ऐसे ही जो भी सप्त का व्रत कर करके इस प्रकार से दुबड़ी माता का पूजन करेंगे तो उन्हें संतान सुख की प्राप्ति हो, वह दीर्घायु को प्राप्त हो। तो इस प्रकार से ये व्रत जो है जिस साते दुबड़ी इसको कहा गया है और राजस्थान में इस व्रत का बड़ा ही प्रचलन है। अब कल जो है राधा अष्टमी होगी, जो संतान सुख के लिए और सौभाग्य की वृद्धि के लिए जो व्रत किए जाते हैं ये जो व्रत जो होते हैं इन व्रत करने से जो है जीवन यात्रा सुखद होती है, घर गृहस्थ में क्लेश नहीं आते हैं, कष्ट नहीं आते हैं, अनेक अरिष्ट अनिष्ट जो है दूर होते हैं और भक्तों की मनोलक्षित कामना जब पूर्ण होती है। तो इसमें व्रत में जो है कहते हैं कष्ट के ऊपर जो है कुछ बच्चों के ऐसे मिट्टी की मूर्ति बनाई जाती है, नाग नागिन की मूर्ति बनाई जाती है, एक वहां पर कटोरा रखा जाता है ऐसे और इस प्रकार से जिसमें दूध डाल करके और जो है एक माता का जो है चित्र होता है और फिर गंध पुष्प धूप आदि से उसका पूजन किया जाता है और उस दिन जो है ठंडी रसोई होती है। ठंडी रसोई जो है क्योंकि जो भोजन किया जाता है वह ठंडा गर्म भोजन जो है वह नहीं किया जाता। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो इस प्रकार से ये कुछ ऐसे व्रत जो है जो करने से जो है मनुष्य के अनिष्ट दूर होते हैं, संतान सुख की प्राप्ति होती है, संतान दीर्घायु को प्राप्त होती है, वह पूर्ण आयु का भोग करती है और घर गृहस्थ में जो है रिद्धि सिद्धि बनी रहती है और फिर इस शक्ति की पूजा जिस घर में होती है जे माँ के इस अधिशक्ति की जिस घर में पूजा होती है उस घर में तो जे भगवती अधिशक्ति लक्ष्मी के विराजमान होकर के अवधि को देती है, उन्नति को देती है, सुख देती है, शांति देती है, निरोगी जीवन देती है और सर्वत्र भक्तों का मंगल मंगल करती है। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो आप सभी माँ भगवती के मूल मंत्र का पाठ करेंगे, यह मंत्र परम शक्तिशाली मंत्र है। इस मंत्र द्वारा जो भक्तजन माँ की साधना करते हैं जिस घर में प्रतिदिन माँ की जो जगाई जाती है, माँ की आरती होती है और दोनों समय प्रातःकाल सायंकाल जो है इस मंत्र का जप किया जाता है उस घर में इस देवी की विशेष कृपा होती है जो स्वयं उस घर में लक्ष्मी के विराजमान होकर के वधु को देती है, उन्नति को देती है, सुख देती है, शांति देती है, उस घर में कभी कोई क्लेश कोई कला नहीं होता है और ग्रस्त जो है सदा सर्वदा अवधि को प्राप्त होते ही उन्नति को प्राप्त होते। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो सभी इस मंत्र का पाठ करेंगे, सब मिलकर के बोलना ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाये विच्चे। 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 बोलो सच्चे दरबार की जय। तभी भजन की वेला है, मैं निवेदन कर रहा हूँ श्री जयपाल से माँ के चरण भजन प्रस्तुत करेंगे। आप सभी भक्तों से कीर्तन में सहयोग देना, सब मिलकर बोलना, अपना ध्यान माँ के चरण में ले जाइए क्योंकि भक्तजन माँ को जानने के लिए, माँ को प्रसन्न करने के लिए माँ के दरबार में आकर के माँ से प्रार्थना करते हैं, माँ की स्तुति करते हैं, मंत्र द्वारा माँ की स्तुति करते हैं,
भगवती का ध्यान करते ही, प्रार्थना करते ही, प्रणाम करते ही, भजनों के द्वारा जो है अपने हृदय के भाव जो है वह माँ के सामने रखते ही और भगवती प्रसन्न होकर उन भक्तों को आशीर्वाद देते ही, जिस आशीर्वाद से उन भक्तों के मनोलक्षित कामना पूर्ण होती है। तो अभी भजनों के द्वारा माँ को प्रसन्न किया जाएगा। आप सभी जो संकीर्तन में सहयोग देना, सब मिलकर बोलना, ताली बजाते हुए श्री जयपाल जी। जय करो शरवली बोल सच्चे दरबार की जय। फूल बख्श मेरी माता मैं पापी द्वार तेरे चलाया। फूल बख्श मेरी माता मैं पापी द्वार तेरे चलाया। फूल बख्श मेरी माता मैं पापी द्वार तेरे चलाया। फूल बख्श मेरी माता मैं पापी द्वार तेरे चलाया। माहौर मेरी था है केरी जे दुगले न लगाया। और मेरी था है केरी जे दुगले न लगाया। बख्श मेरी माता मैं पापी द्वार तेरे चलाया। बख्श मेरी माता मैं पापी द्वार तेरे सभी हाथ खुल लगे, ढीली ताली नहीं, ताली के आवाज मां के दरबार तक पहुंचे। एक बार सभी भक्तजन अपने अपने हाथ ऊपर उठा करके सभी मां के चरणों में अपने अपने हाजिर दीजिए। हाथ सभी ऊपर, मां भगवती आप भक्तों के हाजिर स्वीकार करें, आपके झोलियां भरे, आपके मर्यादा पूरी करें, आपका जीवन खुशियों से भर दे। ताली सभी से रज रज पाप कमाए मैंने दिल विच सोच विचारी ना। रज रज पाप कमाए मैंने दिल विच सोच विचारी ना। काम क्रोध लो मोह दी मस्ती गफलत बेच उतारी ना। काम क्रोध लो मोह दी मस्ती गफलत बेच उतारी ना। मां तेरे बिना हुन केड़ा माता मेरी काया। बख्श मेरी माता मैं पापी द्वार तेरे चलाया। 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 मतलब दे सब साथी संगी मतलब दे यारने ने। ओ मतलब दे सब साथी संगी मतलब दे यारने ने। मेहर करो माँ शेरा वाली बछड़ा दर पे आया। मेहर करो माँ शेरा वाली बछड़ा दर पे आया। बख्श मेरी माता मैं पापी द्वार तेरे चलाया। 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 देखी झूठी प्रीत जगत दी ना कोई अपना होया। झूठी प्रीत जगत दी ना कोई अपना होया। सब मतलब दे यार निकल गए जिन्होंने मैं होया। सब मतलब दे यार निकल गए जिन्होंने मैं होया। सब मतलब दे यार निकल गए जिन्होंने मैं होया। सब मतलब दे यार निकल गए जिन्होंने मैं होया। जगनों छड़ के मैया मन चरना नल लाया। झूठे जगनों छड़ के मैया मन चरना नल लाया। बख्श मेरी माता मैं पापी द्वार तेरे चलाया। बख्श मेरी माता मैं पापी द्वार तेरे चलाया। आहो
ਗੁਣ ਬਖਸ਼ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਦੁਆਰ ਤੇਰੇ ਚਲਾਇਆ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਦੁਆਰ ਤੇਰੇ ਚਲਾਇਆ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਦੁਆਰ ਤੇਰੇ ਚਲਾਇਆ ਜੈਕਾਰਾ ਸ਼ੇਰਵਾਲੀ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਵਾਲੀ ਦਾ ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ ਤੂੰ ਜਾਣੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਤੇਰੀਆਂ ਤੂੰ ਜਾਣੇ ਤੂੰ ਜਾਣੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਤੇਰੀਆਂ ਤੂੰ ਜਾਣੇ ਕੌਣ ਉਥੱਲੇ ਮੌਜਾਂ ਲੈਂਦੇ ਚੱਲ ਬਲੱਲੇ ਮੌਜਾਂ ਲੈਂਦੇ ਚੱਲ ਬਲੱਲੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਸਿਆਣੇ ਤੇਰੀਆਂ ਤੂੰ ਜਾਣੇ 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 ਤੂੰ ਜਾਣੇ ਤੂੰ ਜਾਣੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਤੂੰ ਜਾਣੇ ਤੂੰ ਜਾਣੇ ਤੂੰ ਜਾਣੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਤੇਰੀਆਂ ਤੂੰ ਜਾਣੇ ਤੂੰ ਜਾਣੇ ਤੂੰ ਜਾਣੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਤੇਰੀਆਂ ਤੂੰ ਜਾਣੇ ਇੱਕ ਨਾਨੂ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਭੰਡਾਰੇ ਇੱਕ ਨਾਨੂ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਭੰਡਾਰੇ ਇੱਕ ਪੈ ਭੁੱਖੇ ਫਿਰਨ ਵਿਚਾਰੇ ਇੱਕ ਪੈ ਭੁੱਖੇ ਫਿਰਨ ਵਿਚਾਰੇ ਇੱਕ ਨਾਨੂ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਭੰਡਾਰੇ ਕਨਾਨੂ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਭੰਡਾਰੇ ਇੱਕ ਪੈ ਭੁੱਖੇ ਫਿਰਨ ਵਿਚਾਰੇ ਇੱਕ ਪੈ ਭੁੱਖੇ ਫਿਰਨ ਵਿਚਾਰੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨ ਦਾਣੇ ਤੇਰੀਆਂ ਤੂੰ ਜਾਣੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨ ਦਾਣੇ ਤੇਰੀਆਂ ਤੂੰ ਜਾਣੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨ ਦਾਣੇ ਤੇਰੀਆਂ ਤੂੰ ਜਾਣੇ ਓ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨ ਦਾਣੇ ਤੇਰੀਆਂ ਤੂੰ ਜਾਣੇ ਤੂੰ ਜਾਣੇ ਪਾਣਾ ਸਕਿਆ ਨਾਰਦ ਮਹਿਮਾ ਗਾਣਾ ਸਕਿਆ ਓ ਨਾਰਦ ਮਹਿਮਾ ਗਾਣਾ ਸਕਿਆ ਬ੍ਰਹਮਾ ਪਾਰ ਵੀ ਪਾਣਾ ਸਕਿਆ ਬ੍ਰਹਮਾ ਪਾਰ ਵੀ ਪਾਣਾ ਸਕਿਆ ਨਾਰਦ ਮਹਿਮਾ ਗਾਣਾ ਸਕਿਆ ਨਾਰਦ ਮਹਿਮਾ ਗਾਣਾ ਸਕਿਆ ਮੰਨਣ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਤੇਰੀਆਂ ਤੂੰ ਜਾਣੇ ਮੰਨਣ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਤੇਰੀਆਂ ਤੂੰ ਜਾਣੇ ਮੰਨਣ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਤੇਰੀਆਂ ਤੂੰ ਜਾਣੇ ਓ ਮੰਨਣ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਤੇਰੀਆਂ ਤੂੰ ਜਾਣੇ ਤੂੰ ਜਾਣੇ ਤੂੰ ਜਾਣੇ ਮਹਾਰਾਣੀ 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 ਤੇਰੀਆਂ ਤੂੰ ਜਾਣੇ ਮਾਇਆ ਤੇਰੀ ਹੈ ਮਹਾਮਾਈ ਮਾਇਆ ਤੇਰੀ ਹੈ ਮਹਾਮਾਈ ਧਰਤੀ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ
धरती पानी उत्ते तराई माया तेरी हे महामाई माया तेरी हे महामाई धरती पानी उत्ते तराई धरती पानी उत्ते तराई भूखे मरण से आने तेरिया तू जाने 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 तू जाने तू जाने महारानी 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 तेरिया तू जाने देवे मुक्ति देवे भक्ति देवे मुक्ति देवे भक्ति देवे नाम तेरा शक्ति देवे नाम तेरा शक्ति देवे मुक्ति देवे भक्ति देवे मुक्ति देवे भक्ति देवे जिसनु बख्शे वाणी तेरिया तू जाने जिसनु बख्शे वाणी तेरिया तू जाने जिसनु बख्शे वाणी तेरिया तू जाने जिस बख्शे वाणे तेरिया तू जाने तू जाने तू जाने महारानी 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 तेरिया तू जाने विच गुफा दे वास है तेरा विच गुफा दे वास है तेरा खाली क्यों मन मंदिर मेरा खाली क्यों मन मंदिर मेरा विच गुफा दे वास है तेरा विच गुफा दे वास है तेरा खाली क्यों मन मंदिर मेरा खाली क्यों मन मंदिर मेरा आज किसे बहाने तेरिया तू जाने आज किसे बहाने तू जाने आज किसे बहाने तेरिया तू जाने तू जाने तू जाने महारानी 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 तेरिया तू जाने तू जाने महारानी तू जाने तू जाने महारानी तेरिया तू जाने तू जाने महारानी तेरिया तू जाने तू जाने महारानी तेरिया तू जाने तू जाने तू जाने महारानी तेरिया तू जाने तू जाने तू जाने महारानी तेरिया तू जाने तू जाने तू जाने महारानी तू जाने जय कर शर्मा बोल सच्चे दरबार की तब अगली प्रस्तुत करेंगे श्री विजय कुमार जी जय कर शिरोमल जी का बोल सच्चे दरबार की तेरे सहारे छोड़ दी है मां मैंने अपनी जीवन दोर चरणों में रख लो मैया मैं दास तेरा कमजोर मेरे घर भी दाती मेरे घर भी आ जा दाती ओ मेरे घर भी आ जा दाती मेरे घर भी आ जा दाती तुझे कभी जो फुर्सत है शेरों वाली माँ मुझे तेरी जरूरत है शेरों वाली माँ जय जय माँ मुझे तेरी जरूरत
मनाऊं, तुम आओ मैं शगन मनाऊं, राहों में तेरे पल के बिछाऊं, राहों में तेरी पल के बिछाऊं, राहों में तेरी पल के बिछाऊं, राहों में तेरी पल के बिछाऊं। ओ जिंदगी तेरे नाम कर दी है, 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 दर तेरी जखिदमत है शेरों वाली माँ, जय माँ मुझे तेरी जरूरत है शेरों वाली माँ, जय माँ मुझे तेरी जरूरत है, इस दिन तेरी जोत जगाऊं, इस दिन तेरी जोत जगाऊं, मान इस दिन तेरी जोत जगाऊं, इस दिन तेरी जोत जगाऊं, अपनी विनती तुझे सुनाऊं, अपने दिन के तुझे सुनाऊं, ओ विनती मेरी सुन लो दाती, विनती मेरी सुन लो दाती, ओ विनती मेरी सुन लो दाती, विनती मेरी सुन लो दाती, ये कैसी है किस्मत है शेरों वाली माँ, मुझे तेरी जरूरत है शेरों वाली माँ, जय जय माँ मुझे तेरी जरूरत है, मुझको है माँ तेरा सहारा, 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 तेरे बिन माँ कौन हमारा, तेरे बिन माँ कौन हमारा, ओ मामा कह के तुम्हें पुकारू, मामा कह के तुम्हें पुकारू, तेरी कुदरत है शेरों वाली माँ, जय जय माँ मुझे तेरी जरूरत है शेरों वाली माँ, जय जय माँ मुझे तेरी जरूरत है शेरों वाली माँ, जय जय माँ मुझे तेरी जरूरत है, सबके तू माँ भाग्य सवारी, सबके तू माँ भाग्य सवारी, माँ सबके तू मैया भाग्य सवारी, सबके तू माँ भाग्य सवारी, ओ मेरी नैया लगा दो किनारे, मेरी नैया लगा दो किनारे, माँ मेरी नैया लगा दो किनारे, मेरी नैया लगा दो किनारे, ओ तुझ बिन मेरा कोई न दाती, 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 दर तेरी इबादत है शेरों वाली माँ, जय जय माँ मुझे तेरी जरूरत है शेरों वाली माँ, जय जय माँ मुझे तेरी जरूरत है, जय जय माँ 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 जय जय माँ, ऐसी कृपा मुझ पर कर दो, ऐसी कृपा मुझ पर कर दो माँ, ऐसी कृपा मुझ पर कर दो, ऐसी कृपा मुझ पर कर दो, प्यार की एक नजर माँ कर दो, प्यार की एक नजर माँ कर दो, ओ प्यार की एक नजर माँ कर दो, प्यार की एक नजर माँ कर दो, कन कन में है वास माँ तेरा, 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 चल तेरी हुकूमत है शेरों वाली माँ, मुझे तेरी जरूरत है शेरों वाली माँ, जय जय माँ मुझे तेरी जरूरत है शेरों वाली माँ, जय जय माँ मुझे तेरी जरूरत है शेरों वाली माँ, जय जय माँ मुझे तेरी जरूरत है, रंग में मैं रंग जाऊं, तेरे रंग में मैं रंग जाऊं, माँ तेरे रंग में मैं रंग जाऊं, तेरे रंग में मैं रंग जाऊं, भक्त
भक्ति का वर तुझसे पाऊं, भक्ति का वर तुझसे पाऊं, मैं भक्ति का वर तुझसे पाऊं, भक्ति का वर तुझसे पाऊं। ओ तेरा प्यार मूल्य दाती, तेरा प्यार मूल्य दाती, हाँ तेरा प्यार मूल्य दाती, तेरा प्यार मूल्य दाती, बड़ी इसकी कीमत है शेरों वाली माँ। मुझे तेरी जरूरत है शेरों वाली माँ, मुझे तेरी जरूरत है शेरों वाली माँ, जय जय माँ, मुझे तेरी जरूरत है शेरों वाली माँ, जय जय माँ, मुझे तेरी जरूरत है शेरों वाली माँ, जय जय माँ, मुझे तेरी जरूरत है शेरों वाली माँ, जरूरत है। ओ मेरे घर भी आ जा दाती, मेरे घर भी आ जा दाती, ओ मेरे घर भी आ जा दाती, मेरे घर भी आ जा दाती, तुझे कभी जो फुर्सत है शेरों वाली माँ, जय जय माँ, मुझे तेरी जरूरत है शेरों वाली माँ, जय जय माँ, मुझे तेरी जरूरत है, जय जय माँ, 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 जयकारा शेरों वाली जी का सच्चे दरबार की जय। तभी भजन प्रस्तुत करेंगे श्री जयपाल जी। जयकारा शेरों वाली राय और सच्चे दरबार की जय। आए हैं मैया हम द्वार तेरे, तू सब दुनिया की वाली है, तू सब दुनिया की वाली है। आए हैं मैया हम द्वार तेरे, तू सब दुनिया की वाली है, तू सब दुनिया की वाली है। तेरे तू सब दुनिया की वाली है, तू सब दुनिया की वाली है। आए हैं मैया हम द्वार
तेरे तू सब दुनिया की वाली है, तू सब दुनिया की वाली है पृथ्वी और आकाश तेरे, तू सब दुनिया की वाली है, तू सब दुनिया की वाली है। तेरे तू सब दुनिया की वाली है, तू सब दुनिया की वाली है। आए हैं मैया हम द्वार तेरे, तू सब दुनिया की वाली है, तू सब दुनिया की वाली है। जो शरण तिहारी आए तेरे तू सब दुनिया की वाली है, 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 तू सब दुनिया की वाली की वाली है। जयकारा शेरावाली राम बोल सच्चे दरबार की जय। प्रातः स्मरामि शरदेन्दु कर जलभ सदरत्न भण मकर कुंडल हर भूषण दिव्या जदोर्ज सुनील सहस्र हस्तान रक्त भलाव चरणाम भवति परेशान
त्रातर नमामि महिषासुरचंड मंड शंभासुर प्रमुख दैत्य विनाश दक्ष ब्रह्मेन्द्र रुद्र मुनि मोहन शील लीला चंडम समस्त सर्वमूर्ते अनेक रूप प्रातर भजामि भजता विलास धात्री धात्री समस्त जगतां धरिता भंत्री संसार बंधन विमोचन हेतु भूता माया परम समदगम्य परस विष्णु सच्चा ज्योति वाली माता तेरी सदा ही जय। आज का पंचांग विक्रमादित्य से संबद्ध 2076 दक्षिणोत्तर गोल शरद ऋतु भाद्रपद मास की आज 20 प्रविष्टि हैं। शुक्ल पक्ष आज सप्तमी तिथि ही बृहस्पतिवार तदनुसार 5 सितंबर सन 2019 के दिन प्रातः काल आरती के समय आप भक्तजनों को माँ भगवती की असीम अनुकंपा से माँ भगवती के दरबार में सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप बड़े भाग्यशाली हैं, पुण्यात्मा हैं जब भक्तों को इस आरती की परम पवित्र वेला में और विशेष आज संतान सप्तमी के दिन जो है भगवती के चरणों में बैठकर माँ की आराधना करने का पुण्य अर्जित करने का इस जगजन्य जगत माता महाकाली महालक्ष्मी वैष्णवी माता महासरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त करने का आप भक्तों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। माँ की इसी तरह से आप भक्तों की कृपा मिली रही और माँ वैष्णो देवी प्रसन्नता पूर्वक आप भक्तों को अपने दरबार में बुलाती रही, अपना आशीर्वाद आपको देती रहे और माँ के आशीर्वाद से आप भक्तों के जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि हो, आपके घरों में आपके परिवार में सुख समृद्धि हो, आप उत्तरोत्तरशील हो, उन्नति को प्राप्त हो और माँ वैष्णवी हर स्थान पर देश विदेश में हर क्षण हर पल अंग संग आपकी रक्षा करें, आपकी दीर्घायु करें, आपके कारोबार में वृद्धि करें, सर्वत्र आपका मंगल मंगल करें। सर्व मंगल मांगल्ये शिव सर्वार साधिक शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। इस परम पवित्र वेला में आप सभी भक्तों को और जो श्रद्धालु माँ वैष्णो देवी दरबार की आरती को देख रहे हैं उन श्रद्धालुओं को भी माँ वैष्णो देवी की ओर से भूरी भूरी आशीर्वाद। आयुष्मान भव संतति भाने भव श्रीमान जसस्वी भव प्रज्ञा भाने भव भूर्भुत करणे दाने कनिष्ठो भव तेजस्वी भव भैर दर्वदलने व्यापार दक्ष भव श्री शंभर पाद पुनरतः सर्वोपकारी भव मंत्रार्थ सफला संत पूर्ण संत मनोर्थ है शत्रुनाम बुद्धिनाशोस्तु मित्रेणाम दियस्तु शरीर वर्चस्व आयुष्यम आरोग्यम अविदात् शुभमानम हियते धनम धान्यम पशुम बहुपुत्र लाभम सत्संवत्सरम दीर्घमायुः अस्तु दीर्घमायुः। माँ भगवती आप भक्तों की दीर्घायु करें, आपको सुख समृद्धि प्रदान करें, धन धान्य से समृद्ध करें, सब ओर से आपका मंगल करें, आपकी यात्रा को सार्थक करवल सच्चे दरबार की जय। तभी माँ भगवती की आरती होगी, आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से माँ की आरती करेंगे, समल कर बोलना ताली बजाते हुए ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल करनी मैया जय आनंद करनी मैया जी को निषद न ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव ओम जय अम्बे गौरी ओम
न सेवत तिनके दुख हारी ओम जय अम्बे गौरी कानन कुंडल सर न सत्र मत मैया नाराए मोती पतक चंद्र धरत कोटिक चंद्र दिवाकर सदराजत ज्योति ओम जय अम्बे गौरे शंदन शंदधार महिषासुर घात मैया महिषासुर घाती धूम्र विलोचन नैना धूम्र विलोचन नैना इश दिन मद माती ओम जय अम्बे गौरी चंद मंद संहार शोन कवि हर मैया शोणित बीज हरे मधुक कव दो मारे मधुक कव दो मारे गुर माया हीन करे भगतन की दुख हरता सुख संपत्ति करता ओम जय अम्बे गौरी भोला चारत परमात्र मैया वर मुद्राधारी मनवाशित फल पावत सेवत नर नारी ओम जय अम्बे गौरी कंकन थाल वराज अगर कपूर भाती मैया अगर कपूर भाती श्रीमाल के तुम राजत श्रीमाल के तुम राजत कोटि रतन ज्योति ओम सहित गावे सहत सहत हरि हर स्वामी मनवांछित फल पावे ओम जय अम्बे मैया जय जामा गौरी मैया जय मंगल करनी मैया जय धावत हरि ब्रह्मा शिवरी ओम जय अम्बे गौरी सचिया जतवल माता तेरी सदा ही जय शब्द मनोर्थ पूर्ण करने वाले माता तेरी सदा ही जय सबको सद्बुद्धि देने वाले माता तेरी सदा ही जय सच्चे दरबार की जय। तो परम पूज्य पुजारी जी मां भगवती की पूजा करके आपके सामने इस गुफा द्वार पर आ गए हैं।
इस पवित्र गुफा का पूजन करेंगे। अखंड ज्योति का पूजन होगा, उसके उपरांत माँ विभूति की आरती उतर जाएगी। आरती आप सब जनों के बीच में आएगी। शांति पूर्वक अपने अपने स्थान पर बैठे बैठे आरती की वंदना करना और माँ विभूति से अपने कल्याण के लिए, परिवार के सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करना। बोलो सच्चे दरबार की जय। प्रेम से बोला जय माता दी, सब बल बोला जय माता दी, हाथ खोला जय माता दी, ताली बजा के जय माता दी, बुलंद जय माता दी, 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 सच्चे दरबार की जय। सभी भक्तजन भक्ति भाव से दोनों हाथ जोड़ करके मां से प्रार्थना करेंगे, संभल करके बोलना। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि यशो देहि द्विषो जहि ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः। आप शांतिपूर्वक बैठे बैठे आरती क्रम देखे सुने और मन ही मन माँ भगवती का नाम स्मरण करें। आप परम पूज्य पुजारी जी आरती प्रारंभ करते ही आप सभी आरती का आनंद लीजिए और माँ से प्रार्थना कीजिए, माँ भगवती आप सब भक्तों का मंगल करें। जय माता दी। गुरु जी को वंदना कार्य करो हमेश जय मां आरती आनंद करो कल्याणी कल्याण मैं आठ पहर सो सतगणी जो चल रहा धाम जय मां।
मृगम चक्र गदेशो चाम भरिगम शूलम वशंगम शिला शंखम संधातिम परस्य नयनम सर्वांग भूषाभिताम कीलाश शद्धुतिमास पाक दशकम सेवे महाकालिकाम यामस्तो स्वपिते हरोत्तमजो अंतम मधुकेतमम अक्षत्रकर्षुं गदेशु पुरुषम परमं धनुष्कुंभिका दण्डं शक्तिमसिंचकर्मजलजं घण्टासुराभाजनं शूलं पाशुसुदर्शने च दधतिं हस्ते प्रसन्नामिरां सेवे सेतुमर्दने विद्महः लक्ष्मी सरोजस्थितां घण्टा शूलहलामि शङ्खमुसले चक्रं धनुसायकं हस्ताब्जिदिङ्गणान्तविलसत् श्वेता चतुर्या प्रभा गौरी देह समुद्भवामि जगताधार भूता महा पूर्वा मत्र सरस्वती मनुभजे शुम्भादित्यादिनी त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या जगदम् त्वमेव त्वमेव सर्वम् मम देव शान्ताकारं भुजगशयनं परमराभं सुरेशं विश्वाधारं द्रवणसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं भ्रमरनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भगवहरं सर्वलोकैकनाथं अच्युतं केशवपरमं नारायणं केशवाभोगलं वासुदेवं शरं मधुरं गोपिकावल्लभं कालकीयं चन्द्रं हरे मुरारे मधुकेतु हरे गोविन्द गोपालमोहन किशोरे ज्ञानं प्रदेहि शरणं प्रदेहि विद्या प्रदेहि बलवन् हे माई मेरी सच्चिया ज्योता वाली माता तेरी सदा पंच फूला रानी माता तेरी सदा सर्वदा भला करने वाली माता तेरी सदा सारे संसार में शांति देने वाली माता तेरी सदा लोंकड़ा वीर ठाकुर तेरी सदा बोलो सच्चे दरबार की जय धर्म की जय धर्म की जय धर्म की अधर्म का विनाश अधर्म का विनाश अधर्म का विनाश प्राणियों में सद्भावना हो प्राणियों में सद्भावना हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो विश्व का कल्याण हो विश्व का कल्याण हो भारतवर्ष महान हो भारतवर्ष महान हो भारतवर्ष महान हो बोलो हर 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 बोलो बाबा श्री हर की जय सनातन धर्म की जय गौ माता की जय बोलो सच्चे दरबार की जय पूज्य गुरु महाराज की जय पूज्य माता पिता की जय बोलो सच्चे दरबार की जय हम
Thank you.